राजधानी में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 83,000 को पार कर चुकी है। कल शाम जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में करीब 3,000 नए मामले सामने आए, जबकि 65 मरीजों ने जान गंवाई। इसके साथ ही दिल्ली में मौत का कुल आंकड़ा 2,623 हो चुका है, लेकिन राहत की बात यह है कि ठीक हुए मरीजों की कुल संख्या 52,000 के करीब है। दिल्ली में कोरोना खौफ का दूसरा नाम बन गया है। संक्रमण की रफ्तार रुक नहीं रही, मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। तेजी से भागते कोरोना ग्राफ ने दिल्ली की तैयारियों को बौना साबित कर दिया है, लेकिन सरकार कह रही है कि कोरोना हारेगा। इस विश्वास की बड़ी वजह है जोर शोर से जारी तैयारियां। दिल्ली अब प्लाज्मा बैंक बनाने की तैयारी में है, जिसकी मदद से गंभीर मरीजों की जान बचाई जा सके। दिल्ली में सीरोलॉजिकल टेस्ट किए जा रहे हैं ताकि कोरोना संक्रमण का अंदाजा लगाया जा सके। बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है ताकि भविष्य में किसी भी संकट से मुकाबला किया जा सके। पहले के मुकाबले कोरोना टेस्टिंग तेज हुई है, जिससे मामलों की संख्या में इजाफा बताया जा रहा है। दिल्ली सरकार होम क्वारंटीन मरीजों को पल्स ऑक्सीमीटर बांट रही है। इसीलिए दिल्ली सरकार ने तय किया है कि हम दिल्ली में प्लाज्मा बैंक बनाएंगे। ये अपनी तरह का पहला प्लाज्मा बैंक होगा कोरोना के मरीजों का इलाज करने के लिए। देश भर में ये शायद पहला प्लाज्मा बैंक होगा। पिछले एक महीने में हम लोगों ने कई कदम उठाए, जिसकी वजह से आज दिल्ली में बेड्स की कमी नहीं है। कोरोना को हराने के लिए दिल्ली और केंद्र सरकार ने हाथ मिलाया है। अभी एक दिन पहले ही गृह मंत्री ने कहा कि दिल्ली को जो भी मदद चाहिए सरकार मुहैया कराएगी। 30 जून तक हमने 30,000 बेड बन जाएंगे। रेलवे कोचिस के अंदर 8,000 बेड बने और 8,000 की तैयारी है, मगर मैं अभी 8,000 ही गिन रहा हूं। कल गृह मंत्री ने बताया कि दिल्ली को डरने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन पहले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आशंका जताई थी कि जुलाई के आखिर तक दिल्ली में 5.5 लाख कोरोना संक्रमित हो जाएंगे, लेकिन गृह मंत्री को यकीन है कि ऐसी नौबत नहीं आएगी। 31-7 को 5.5 लाख नहीं होंगे। हम अच्छी स्थिति में होंगे, क्योंकि हमने कोरोना होने से पहले उसको रोकने के प्रयास पर जोर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी कह रहे हैं कि दिल्ली में तेजी से काम चल रहा है। हम अपनी टेस्टिंग फैसिलिटीज को हमने इतना ज्यादा रैंप अप किया है कि जहां 5 महीने पहले 4 महीने पहले एक लैबोरेटरी थी, आज वहां पर हमने 1,036 लैबोरेटरीज में टेस्टिंग हो रही है। दिल्ली के हालात अभी पूरी तरह कंट्रोल में नहीं कहे जा सकते। देश भर में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 5,40,000 के पार जा चुका है। दिल्ली में ये संख्या 83,000 के पार जा चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ केजरीवाल की पहली बैठक में ही तय हो गया था कि दिल्ली में टेस्ट की संख्या बढ़ाई जाएगी। उस फैसले का असर भी दिखने लगा है। पहले जहां 4,000 के करीब टेस्ट होते थे, अब वो संख्या 20,000 तक पहुंच चुकी है। उम्मीद है दिल्ली में कोरोना की रफ्तार मंद पड़ेगी। पंकज जैन, दिल्ली आज तक।